दो लोगों को आपस में मिलाने के लिए इस वशीकरण के टोटके को करें, मोहब्बत दिलों में बढ़ाने के लिए इस वशीकरण के टोटके को करें, प्यार वापस पाने के लिए इस वशीकरण के टोटके करें, प्यार जुदा हो गया है इस वशीकरण के टोटके को आज ही करें, पति पत्नी में अनबन हो गई है तो इस वशीकरण के टोटके को आज ही करें, आज ही सफलता मिलेगी। प्रेमी प्रेमिका दूर हो गए हों, नंबर ब्लॉक हो गया हो, बात नहीं हो रही है तो आज ही इस वशीकरण के टोटके को करें। हर प्रकार का संबंध बनाने के लिए, हर प्रकार का संबंध, पति पत्नी के बीच में संबंध जब तक ना बने संतान आगे नहीं आती। कईयों साल हो गए संतान नहीं आ रही, यानी उनके बीच में अच्छे संबंध या तो नहीं है या कोई बीमारी है। तो दोस्तों, अगर संबंध नहीं बन रहा है किसी से, आपको संबंध बनाने की इच्छा है कि आप उसके साथ संबंध बनाना चाहो, तो आप इस वशीकरण के टोटके को कर सकते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे भक्तों, आप देख रहे हैं GHTV और बहुत स्वागत करते हैं अपने चैनल में हम आप सभी का। पहली बार हमारे चैनल को देखा है तो दिल से धन्यवाद करते हैं आप सभी का। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटे को जरूर दबाइए। असली और ओरिजिनल हनुसी वशीकरण के टोटके और तंत्र जानने और सीखने के लिए हमारे चैनल से बने हुए रहिए। क्या आपका पति भी आपको मारता है, पीटता है, आपसे बात नहीं करता है? अगर ऐसा है तो आज ही इस उपाय को करिएगा। या आपका पति किसी दूसरी औरत को बहुत चाहता है और आपसे नफरत करता है तो आज ही इस उपाय को कर लीजिए। इसमें आपको कोई पैसा नहीं खर्च करना, बस एक नींबू किसी से मांग के भी ले आइएगा तो आपका काम हो जाएगा। एक सुई किसी से मांग के भी ले आइएगा तो आपका काम हो जाएगा। ये लौंग, इलायची, मिठाई, कोई भी चीज़ का तंत्र नहीं है, ये सिर्फ नींबू और सुई का तंत्र है। कुछ लोगों ने लहसुन, नींबू और लौंग के बताए, हमने भी बहुत सारे ऐसे टोटके बताए हैं, लेकिन उनमें से हमें अगर देखा जाए कि सबसे ज़्यादा असरदार क्या होगा तो ये जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा असरदार है। बहुत सारे वजीफे कर लिए आपने, असर नहीं हुआ होगा। बहुत सारे आपने मंत्र पढ़ डाले, मंत्र जप डाले, मंत्र उच्चारण कर डाला, लेकिन काम नहीं हुआ है। बहुत सारे टोटके आपने कर लिए लेकिन असर नहीं हुआ है आपका। स्क्रीन पर देखिए, आपको सामने एक नींबू नज़र आ रहा है, उसके ऊपर एक सुई चुभी हुई है। ऐसा ही आपको चुभना है। अब कैसे करना है, किस दिन करना है, ये हम आपको बताएंगे। दोस्तों, इसको 3 दिन सप्ताह में आपको करना है, मंगलवार, शनिवार और सोमवार। 3 दिन लगातार आपको ये उपाय करनी होगी और तीसरी बार में कभी आपको कोई भी उपाय नहीं करना। अंत हो जाएगा, आपको अब कुछ नहीं करना है, जन्म भर के लिए वो इंसान आपके वश में हो जाएगा। टोटके को बताने से पहले आपको मैं एक चीज बता देता हूं, अगर आपको 1 मिनट के अंदर गारंटी के साथ में वशीकरण करना है तो आपको हमारे नंबर स्क्रीन के ऊपर जो सामने नजर आ रहा है आप मुझसे संपर्क कीजिएगा। 1 मिनट में गारंटी के साथ में वशीकरण नहीं होता है तो आप जो बोलेंगे वो मैं करूंगा। चलिए दोस्तों, मैं आपको ये बता देता हूं कि आप नींबू और सुई से वशीकरण कैसे करेंगे। नींबू के ऊपर आपको 3 मरतबे अपना नाम और 3 मरतबे उसका नाम लिखना है, और नींबू को एक मिट्टी के दिया में रखना है, उसमें थोड़ा सा सिंदूर भी रख देना है, यानी सिंदूर के अंदर आपको नींबू रखना है और मिट्टी के दिया में आपको सिंदूर रखते हुए नींबू को रख दीजिए और 3 बार अपना नाम लिखिए, 3 बार उसका नाम लिखिए, और अपने और उसके नाम को पूरी तरीके से ध्यान में रखते हुए एक सुई खरीद के ले आइए और सुई थोड़ा लंबी हो ताकि दोनों के नामों के अंदर जो 3-3 बार आपने लिखा है ये सुई पूरी तरीके से चुभ जाए और उस सुई में उसके नाम का धागा डाल दीजिए, और धागा डालने के बाद गांठ लगाइए, नींबू को उठाइए, दिया को उठाइए, सिंदूर को उठाइए, ये सारी सामग्री जो है आपकी वशीकरण की, इसको उठा करके आप किसी भी चौराहे के ऊपर ले जा करके रख आइए। आपका पार्टनर आपकी गुलामी ना करे तो बोलिएगा। दोस्तों, इस वीडियो के ऊपर मुझे हर एक मेंबर जो भी मुझे देख रहा है, हर एक व्यूवर का एक लाइक चाहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में माता रानी की जय जयकार करिए। मिलते हैं।